इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन इंदौर। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मैं आनंद कासलीवाल, संपादक वीर निकलंग, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। गुरुदेव, एक काफ़ी समय से समाज में असमंजस की स्थिति है और ये मैंने कई लोगों से चर्चा की पर मेरे को जवाब नहीं मिला, क्योंकि उसके आगे मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लिए बहुत सारे दुष्परिणाम उसके हमको मिलने वाले हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैन हिंदू हैं या नहीं, और जैन धर्म को हिंदू धर्म से प्राचीन है या हिंदू धर्म प्राचीन है? आनंद जी, पहले तो हम ये समझ लें कि हिंदू शब्द कोई धर्म सूचक है ही नहीं। हिंदू शब्द भारत में आने वाले जितने व्यक्ति हैं उस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया था, कोई धर्म से इसका संबंध जो आया है वो 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद आया है। ये शब्द फारसी शब्द है, ओरिजिनल में फारसी शब्द में जो है ये फारसी शब्द हिंद, हिंद से हिंदू बना है। क्या बना है? हिंद से हिंदू बना है, फारसी शब्द है। दूसरा, हिंदू संस्कृत शब्द की सिंधु शब्द से बना है, सिंधु है संस्कृत में शब्द सिंधु, उसी से बना हिंदू शब्द बना है, और जिसका मतलब होता है नदी पानी का बड़ा स्थान, ऐसा स्थान नदी पानी का कि वो पानी बह करके समुद्र में अन्य अन्य स्थानों में चला जाए। और जहाँ पर हिंदू शब्द कहीं भी किसी ग्रंथ में धर्म के रूप में उपयोग नहीं है, ये 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद, इसका पूरा इतिहास अगर हम देखें तो 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद इसको धर्म से जोड़ा गया, और इसे जोड़ा गया कि जब मुस्लिम राजाओं ने आक्रमण किया तो मुस्लिम राजाओं का जो विरोधी हो गए, जिन्होंने मुस्लिम राजाओं से लड़ना प्रारंभ कर दिया, उनको हिंदू कह दिया। बस ये भारतीय इतिहास के हम पन्ने पलटेंगे तो देख लीजिएगा कि जिन्होंने मुस्लिम शासन के उस समय हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे संस्कृति संस्कारों के सभ्यताओं को तोड़ा गया, और देख भी रहे हैं कई जगह हैं ऐसे थोड़े बहुत, है ना, जैसे कुतुब मीनार की हम बात करें, हमारा जैन है, तो मुसलमानों से लड़ने की एक नई चेतना जगह हिंदू, हिंदू, जबकि हिंदू शास्त्र में कहीं भी शब्द नहीं है किसी भी शास्त्र, हिंदू के ग्रंथों में भी जो 12वीं 13वीं शताब्दी के पहले के ग्रंथों में कोई वर्णन ही नहीं आया, कई शब्द नहीं है हिंदुओं का। क्यों? क्योंकि हिंदू शब्द जो है वो हमारी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा की है, जो आगे आए थे कि हमारी भारतीय संस्कृति संस्कारों का जो चिरहरण किया जा रहा था, बदला जा रहा था, मंदिरों को बदला जा रहा था, इनको बदला जा, उसके इसका उपयोग आया है निश्चित रूप से। तो ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ ही नहीं है। और जहाँ तक जैनों की बात है, जैन वर्तमान के हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। जो वर्तमान में हिंदू शब्द की जो बात कर रहे हैं, वर्तमान में ये हिंदू की जो बात कर रहे हैं उनसे जैन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम वो बात माने तो जैन धर्म से ही हिंदू निकले हैं। अगर वर्तमान की जो हिंदू की परिभाषा जो हम कर रहे हैं, जैन एक अलग स्वतंत्र धर्म है। धर्म का मतलब जिन्होंने अहिंसा को स्वीकार किया है, जिन्होंने जीवन में अहिंसा को स्वीकार कर लिया है, और जो महावीर आदिनाथ और ऐसे अनादिकाल से 24 तीर्थंकर की जो परंपराएं आ रही हैं उनको जिन्होंने स्वीकार किया है वो सब जैन, उन हमारे उस नाम के आगे जैन शब्द हम जोड़ देते हैं। पद्म पुराण में एक दो जगह जैन शब्द आया है, मूल शब्दों में भी आया है। तो ये हिंदू और जैन, ये वर्तमान के अगर पूरे देश की बात करें तो कोई हिंदू शब्द कोई जाति नहीं है, ये तो हमने इसको परिस्थितियोंवश लोगों ने इसको अपना लिया है, परिस्थितियों इसको जान लिया है। क्योंकि आप कभी देखेंगे इंटरनेट पर भी इसको सर्च हम जब करते हैं और देखते हैं
तो हिंदू शब्द की यही परिभाषाएं आई 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी के बाद। फिर उसको धर्म के मार्ग से जोड़ दिया गया कि जो मुस्लिम थे उनसे हमने जब लड़ना प्रारंभ किया, हमारे मंदिरों की हमने सुरक्षा की, तो जो जो उसमें आ गया वो सब क्या हो गए, हिंदू बनते चले गए। जबकि इसे हम बताएं कैसे परंपराएं आती हैं। गणेश उत्सव था, इसका ओरिजिनल इतिहास ये है कि हमें अपनी मीटिंगें करना पड़ती थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो चार चार पांच पांच की कमेटी बना के एक बैठ जाते, तो कैसे बैठे, तो धर्म के नाम पर बैठने लग गए। तो वहाँ उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया, अब उस गणेश उत्सव का स्वरूप भी बदल गया। तो ऐसे ही सारे स्वरूप बदलते जाते, हम निश्चित रूप से जैन हिंदुओं के जो वर्तमान में कहा जा रहा है उससे बिल्कुल हम अलग हैं। पर प्राचीन पद्धति से अगर बात की जाए तो हम सब सिंध नदी के इधर हैं, इससे सब हम हिंदू हैं, क्योंकि वो सिंध नदी की जो हैं एक किनारे की हम जब बात करते हैं तो हम सब हिंदू हैं। पर कौन सी पुरानी परिभाषा, पर वर्तमान में जो भाषा चल रही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उससे हम बिल्कुल डिफरेंट हैं और इनसे हमारी तुलना ही नहीं की जा सकती। सब बात के हैं, हमारी तीर्थंकरों की तो अनादिकाल की परंपराएं, ऐसे आदिनाथ से महावीर एक परंपरा है, ऐसे अनादिकाल से ऐसी 24 सी परंपराएं आ रही हो अनादिकाल तक होंगी। तो वर्तमान में हम बिल्कुल अलग हैं, हमारा हिंदू शब्द से कोई तात्पर्य भी नहीं है और कोई धर्म है ही नहीं। ओम नमः। मतलब जैन धर्म अलग है गुरुजी? 100% जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है और इसमें कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। अभी ओरिजिनल स्थिति अगर देखी जाए तो हम सब लड़ाई को छोड़ करके एक बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को बता दें कि हम जो मांगे कर रहे हैं सरकार से या कुछ चीज़ों की बातें करते हैं ये कहीं वास्तव में आगे जाकर हमारे घातक तो सिद्ध नहीं हो जाएगी। हम जिन चीज़ों की मांग करते हैं एक व्हाट्सएप के माध्यम से हम चला देते कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, तो इन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी मांगे कहीं जाकर के हमारे जैन धर्म के इतिहास को नष्ट करने का काम नहीं करते। अगर आप अल्पसंख्यक हो तो अल्पसंख्यक में सारे कानून कायदे हैं, हसमुख जी भी बैठे हो, जानकार हैं, है ना, आनंद जी भी हैं, डीके जी, हिंदू जब हमको अल्पसंख्यक में लिया है तो ऐसे ही सब माइनॉरिटी सारी छूटे और सारी हमारे पास में है, तो हमें नई मांगने की जरूरत नहीं। जो अल्पसंख्यक में जो चीजें उनको हमको हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जैन जज हैं उनको निकाल करके वास्तव में अल्पसंख्यक के क्या क्या लाभ हैं वो हमें लेना चाहिए। अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं हम मुस्लिम बन गए, अल्पसंख्यक मतलब ये नहीं, अल्पसंख्यक का जो अर्थ है कि जो संख्या में कम हो, जो संख्या में कम हो उनका अल्पसंख्यक, हम तो बहुत कम हैं, सबसे कम हम ही हैं पूरे हिंदू पूरी जितनी जातियों की जनगणना है उनमें सबसे हम हैं, तो उनको क्या उनके धर्म को पालन करने में उनके धर्म के संस्कार संस्कृति को सुरक्षित करने में अल्पसंख्यक आयोग हम अल्पसंख्यक हो गए तो क्या करता है उस पर रिसर्च होना चाहिए और उसका एक निचोड़ हमारे सामने आना चाहिए। सब झगड़ों को छोड़ करके उस पर रिसर्च, इतने इतने उसमें रिसर्च हैं कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने धर्म की सुरक्षा अल्पसंख्यक आयोग के नियमों के माध्यम से ही हम अपने धर्म के अपने संस्कार और संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस पर रिसर्च करने का विषय, क्योंकि ज़्यादा नियम लागू तो मुझे भी नहीं पता है, पर जितना मैंने पढ़ा है उतना आपको बताने की कोशिश की है। पूज्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा जो प्रश्न है सामान्य सा प्रश्न है कि जीवन में हमें अनेक सुख दुख शोक संताप उपहार सुख सभी मिलते हैं और ये कहते हैं कि जो हमने पूर्व जन्म में पुण्य और पाप किए हैं उनके परिणामों से ये सब हमको मिल रहा है। दूसरा हम ये भी कहते हैं कि जो जो देखे वीत राग ने सो से होती विदारे, अनदेखी कभी हो सके ना काहे हो तदिदारे। तो महाराज जी, पुरुषार्थ का क्या रोल है? मतलब सब कुछ पहले से ही नियत यदि है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ का कब से रोल शुरू होता है इन दोनों के बीच में, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नमोस्तु। देखिए, जो हम पूर्व में कर्म करते हैं उन्हें भोगना पड़ता है तो तय है, पर जो कर्म बांधे हैं पूर्व भव में उन कर्मों को काटने के पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है राजा सैनिक का, कौन से नरक की आयु बांधी थी उसने, सातवें नरक की आयु बांधी, बाद में पुरुषार्थ किया, मुनिराज के पास गए, क्षमा याचना की, प्रायश्चित किया, गले में जो सांप डाला तो उसको निकाला, 33 सागर की आयु पुरुषार्थ करने से कितने में आ गई हो, 70,000 वर्ष मध्यम आयु में आकर, ये पुरुषार्थ है। नरक जाना तय था क्योंकि आयु एक बार बंद जाती है तो फिर छूटती नहीं है, बाकी कर्म तो उनकी
हम कम ज्यादा कर सकते हैं, उनके दुखों को कम कर सकते हैं, कर्म के फलदान शक्ति को हम कम कर सकते हैं, आयु कर्म के अलावा। तो जो पुरुषार्थ है, जो पूर्व में कर्म बांधे थे और पुरुषार्थ करेंगे तो उनके फलदान शक्ति हमारे पास कम हो जाएगी। इससे पुरुषार्थ का अपना महत्व है। और कर्म हम जो बांधते हैं वो हम बांध ही रहे हैं, खोटे कर्म जो बांधते हैं, पर उन खोटे कर्मों से बचने के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में सब कर्म शुभ बनेंगे और पुरुषार्थ से ही हमारे पुराने पाप कर्म भी नष्ट को प्राप्त होंगे, क्षीण होंगे, कमजोर होंगे। और जो कर्म एक उदाहरण के समझो कि 100 साल में उदय में आने वाला था, पुरुषार्थ से वो 10 साल में भी उदय में आकर के चला जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो कहते हैं कि महाराज हम इतना धर्म करते हैं हमारे पे इतने संकट क्यों आते हैं, तो हमने कहा कि धर्म कर रहे हो तो वो जो पाप कर्म बहुत देर तक दुख देना था वो जल्दी दुख दे करके निकल गया, क्योंकि जैसे आपने त्याग तपस्या साधना की तो कर्म की निजरा होना, कर्म कटना प्रारंभ हो जाएंगे। अब बिना कर्म कटे हुए निकलेंगे तो नहीं, थोड़े रूप में भी फल दे करके देंगे। तो जो तुम जितनी साधना करो और कष्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके कर्म कट रहे हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ लोगों को कि आपको कोई गाली दे दे, आपको कोई पत्थर मार दे तो जेब में मिठाई रखो, उसको खिला दो कि तुम्हारे चक्कर में आज एक पाप कर्म मेरा चला गया। क्या चला गया? क्योंकि तुमने कहा जो अपमान मुझे भर सभा में होना था मेरे पुरुषार्थ से, मेरे कोई पुण्य से कमरे में उसने कर दिया, तो हमारा एक कर्म तो चला गया ना। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कर्म की निजरा, हम मुनि भी बने जब तक साधना नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कर्म कैसे काटेंगे। तो पुरुषार्थ अपना काम करता है। और जो जो वितराग ने देखी, अभी तो देखो भजन बना लो और सब बना लो तो अपने बस शब्द अच्छे होने चाहिए, बाकी हम उसमें क्या कह रहे हैं उनके गहराइयों को समझने के लिए बहुत समय हमें लगता है। और हम कुछ भी लिखने के पहले और उसको बोलने के पहले हमें शब्दों पर कितना ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में इसका क्या पड़ेगा। और वितरागता की बात किसने देखी? हमारे यहाँ तो अपने आत्मा ही भगवान है। जो वितराग बन गया वो तो देखता नहीं, ना सुनता है, ना कुछ करता है। हमारी आत्मा ही कुछ कोई देखे ना देखे, आपकी आत्मा और आप स्वयं अपने आप को देख रहे हो, अपना आकलन कर रहे हो कि मैंने क्या किया है। आप स्वयं तय कर लेना कि आपने जो किया है उसका फल आपको मिलना है। पर उस पाप कर्म को नष्ट करना है तो पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसे देव शास्त्र गुरु की पूजा सट आवश्यक कर्म हम श्रावकों को दिए हैं कि उनके माध्यम से पुरुषार्थ करके उन कर्मों की निर्चरा कर सकते। डॉक्टर अनुपम जैन, अध्यक्ष तीर्थंकर शब्द जैन विद्वत महासंघ और प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। पूज्य गुरुवर, अभी पिछले जिज्ञासु बंधु ने प्राचीन परंपरा में मुनि के किस शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए इसकी चर्चा की, तो मैं दो संदर्भ बता दूं। श्रमणा दिगंबरा, श्रमणा आत्मविद्या विशारद, निरग्रंथा वात रचना मुनिया, वात रचन श्रमण और दिगंबर ये शब्द आए हैं। इससे आप अनुमान लगा लें कि श्रमण शब्द का उपयोग कितना जरूरी है। जैन तो बहुत बाद में आया है। महाराज जी, प्राचीन धर्म ग्रंथों में ऐसा आया है, करोड़ों की तादाद में जैनियों की संख्या थी, लेकिन लगातार भारत की जनसंख्या में जैन समुदाय का प्रतिशत घटता जा रहा है। 2011 के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जन्मदर 1.4 यानी 20 लोग मिलकर के 14 बच्चों को जन्म देते हैं और इससे हमारी जनसंख्या घट रही है। साथ ही शिक्षा के प्रसार के साथ, सभी लोग जानते हैं कि जैन वर्ग बहुत अधिक शिक्षित है, शिक्षा में प्रतिशत बहुत अच्छा है जैनियों का, लेकिन अंतरजाति विवाहों ने कोड़ में खाज का काम किया है और आज उच्च शिक्षित युवाओं में अंतरजाति विवाह, अंतरजाति से मेरा मतलब विजाति विवाह से है। जैन धर्म की जातियों में मैं भेद नहीं कर रहा, विजाति विवाह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। गुरुवर, आप युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, युवाओं के बीच में आपकी गहरी पैठ है,
आप युवा मानसिकता को अच्छे से समझते हैं, अतः मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप समाज को ये मार्गदर्शन प्रदान करें कि अंतर जाति विजाति विवाह की कुत्सित प्रवृत्ति जो निरंतर बढ़ती जा रही है और जिससे समाज का बहुत नुकसान हो रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करें। पूज्य गुरुवर। अनुपम जी का प्रश्न वर्तमान के समय की बड़ा चिंतनीय है। श्रवण बेगुआ के पास एक कंबधरी तीर्थ है। जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में और क्षुद्रक अवस्था में वहाँ गए तो बताते कि वहाँ 10,000 घर थे। कितने घर थे? 10,000। पहाड़ पर बहुत सुंदर मंदिर था। अब वो मंदिर तो नहीं रहा, पर गांव में कुछ मंदिर अभी पंच मंदिर पंचकूट नाम से मंदिर में। अब 5,000 घर गए कहाँ? जब वहाँ जब भट्टारक जी को बिठाया तो हमने अपने संस्कार अपनी संस्कृति अपने आचरण को छोड़ा तो वही जो वहाँ हैं वो जैनी हैं। मूल में वो जैन है, पर उन्होंने जो जैन आचरण था उनको पालना बंद कर दिया और वो फिर वो संतति बढ़ती गई और फिर जैन वहाँ से लोप ही हो गए। ऐसे तमिलनाडु में भी है कि मूल में है तो जैन, पर जैन संस्कार संस्कृति सभ्यता आचरण उन्होंने अपने जीवन में उतारना ही छोड़ दिया और वो जीवन में उतारना छोड़ दिया जैन सभ्यताएं जैन लोग लुप्त होते गए। अब चिंतनीय विषय ये होना चाहिए कि अब इनको सबको रोकें कैसे। निश्चित रूप से हमें पर पुरुषार्थ करना चाहिए, जितनी संस्थाएं हैं साधु हैं उन लोगों को एक चीज पर रिसर्च करना चाहिए और इस चीज पर एक डिसीजन हमको सबको लेना चाहिए सारे साधुओं को कि आज मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूँ कि आज हम जैन समाज की कोई झांकी बनाते हैं, जैन समाज के हम कोई कार्यक्रम मंदिर में कहते हैं। और मैंने पिछली बार भी कहा था और मैंने कई बार का पर इंदौर में भी हम कई बार देखा, आप लोग भी जाते हैं, हमारे यहाँ मांडवा मानते हैं, हमारे यहाँ झांकियाँ बनाते हैं, हम उनको फर्स्ट सेकंड दे भी देते हैं, पर कभी उन झांकियों में मांडवों में हमने कभी देखने की कोशिश की कि इसमें जैन संस्कृति का संदेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर, श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी बेंगलोर, श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर,